ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए लियो आपके लिए देखते हैं ओवरऑल आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर, और फिर उसके बाद ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे और फिर गाइडेंस देखेंगे। तो पहले अगर लव लाइफ की बात करें, ओके, सो यू आर फीलिंग लिटिल हार्ट ब्रोकन, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी एनर्जीज दिखाई दे रही है, यू नो, थ्री ऑफ सोर्स एनर्जी, फीलिंग शैटर्ड हो सकता है। अब वो कोई कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है, या ओवरऑल अपने काम की वजह से भी हो सकता है। फीलिंग थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, ओके, एंग्जाइटी हो सकती है, या हो सकता है आप सिचुएशन के बारे में सोच सोच के थोड़ा लो फील कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक येस ऑफ कोर्स, शायद हो सकता है आप लोगों की कोई बात ऐसी हुई हो, कम्युनिकेशन ऐसी हुई हो, क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे। ऑफ कोर्स एक तो ये है कि ये भी स्ट्रेस्ड आउट है, ठीक है। दूसरा ये कि चीज़ें स्लो चल रही हैं, मे बी दैट इज़ द थिंग। या हो सकता है कि कैसे होगा, क्या होगा, ये सोच सोच के, आई मीन आप लोग एक लूप में हैं। हो सकता है आपकी बहस हो रही हो आपस में, या कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है और उनको लगता है कि ये यू नो, मतलब ये कैसे होगा सॉल्व, दिस एंड दैट, ओके, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, या इसमें से कैसे निकला जाए, या कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जाए। बट द थिंग इज़ द आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग। कुछ के लिए हो सकता है कि आप राइट डिसीजन ले सकते हैं, या थिंग्स मे गेट बेटर, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है, देखिए नेक्स्ट मूव की अगर बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट इमोशनली मैनिपुलेटिंग। ये नहीं है कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई मूव ले रहे हैं, बट आई थिंक इनके एक्शंस ऐसे हो सकते हैं, या हो सकता है इट्स लाइक इमोशनली, यू नो, चाहते तो वो भी अच्छा ही है, ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक यस, मतलब आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई यू नो, एक दूसरे को टाइम दे सकते हैं, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और देखेंगे कि लियो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, मेकिंग द एफर्ट, यस, अगर आप एफर्ट्स पुट करते हैं, अगर आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली, एक्सक्यूज मी, या सो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ें बेटर हो सकती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेकिंग द एफर्ट, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, पैशन का कार्ड आ रहा है, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, ओके, अपने हार्ट को अलाउ कीजिए, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट लेट यू नो अदर्स हेल्प यू, इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रस्ट, ओके, कि आपका जो रिलेशनशिप है इट्स मूविंग टूवर्ड्स यू नो, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, इट्स अबाउट दैट। और बाकी सब के लिए मुझे ऐसा लगता है दैट यू नीड टू वर्क, ओके, कि आप फिर से अपने रिलेशनशिप को चेरिश कीजिए। सिंगल्स के लिए तो अच्छी एनर्जी है कि यस, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है या कहीं ग्रो कर सकता है। और बाकी सब के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट दैट आपको फिर से थोड़ा बहुत एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है, फिर से थोड़ा बहुत हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करने की ज़रूरत है, कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है अबाउट दैट। चलिए टॉकिंग अबाउट योर करियर, करियर वाइज लियो के लिए कैसा रहेगा, अगेन इट्स अबाउट योर जॉब, इट्स ऑल्सो अबाउट चेंज, फाइनेंशियली थिंग्स मे गेट बेटर, चेंज आ सकता है, पॉजिटिव चेंज आ सकता है ऑफ कोर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बिजी रहने वाले हैं अपने काम में, ऑल दो मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ स्ट्रेस अराउंड फाइनेंसिस को लेके थोड़ा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, वहाँ आप थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। बट आई थिंक बाय एंड ऑफ द वीक चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आप अपनी परेशानियों से मुझे लगता है बाहर आ सकते हैं, या कोई रास्ता ऐसा मिल सकता है कि जहाँ से आप यू नो इस सिचुएशन में से बाहर आ पाएँ। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, देयर इज़ सम फाइनेंशियल बर्डन्स, या आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं, या किसी का कॉल का वेट कर रहे हैं, या मतलब ये आपके माइंड में चल रही हैं चीज़ें। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है इट्स अबाउट हैप्पीनेस विच फुलफिलमेंट, थिंग्स विल गेट बेटर, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब वो अगेन हो सकता है डिपेंड्स अपॉन कि आपका आप कुछ सिचुएशन में कोई फैसला ऐसा ले सकते हैं, या हो सकता है कोई यू नो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट चेंज इज़ हैपनिंग, ओके, कि कोई चेंज, बड़ा चेंज आ सकता है जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। बिकॉज विद द वर्ल्ड एंड एम्परर इट्स अबाउट अ बिग चेंज, ओके, दैट कि अल्टीमेटली
चाहे इस हफ्ते हो या आने वाले कुछ टाइम में हो, ऑफ कोर्स वो चेंजेस आ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखेंगे लियो के लिए, व्हाट एल्स। ओके, मनी वाइज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स एंड गेन दिखाई दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा आपको अपने फाइनेंसिस का ध्यान देने की ज़रूरत है, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है डोर्स आर ओपनिंग अप, सडनली कोई चेंजेस आ सकते हैं या कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकती है। कुछ के लिए ऐसा हो सकता है इट्स अबाउट कि वाइजली यू नो, मतलब ठंडे दिमाग से, शांत मन से कोई डिसीजन लेना, वो आपको मदद कर सकता है, वो आपको हेल्प कर सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, वट एवर इट इज़, इट कैन हेल्प यू इन अ वे। ठीक है, आपको शायद हो सकता है कि कुछ गलत फैसला लेने से भी आप बच जाएं, या हो सकता है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे आए लाइक सडनली यू नो, या हो सकता है कि आप मतलब कुछ नेगेटिव है जो अवॉइड कर सकते हैं। तो जो आपके पास है, एंजल्स कह रहे हैं आप उसमें खुश रहिए, उसको चेरिश कीजिए एंड डोंट लुक अप टू पीपल। और बाकी सबके लिए मैं यही कहूँगी, इट्स अबाउट लाइक अनहेल्दी अटैचमेंट्स, यू नो। अब आपको देखना है कि वो किस वे में आपको रिलेट करती है। मान लीजिए कि करियर वाइज आपको लगता है कि कुछ चेंजेस लाने हैं, तो यू आर रेडी। ओके, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, साइनिंग अप न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, या सही फैसला लेना। ओके, और बट इट्स नॉट अबाउट आउट ऑफ ग्रीड, बट इट्स अबाउट दैट आप एक पैटर्न में से निकलना चाहते हैं और आप एक नया यस डिसीजन मेकिंग, मुझे लगता है कि इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग। बहुत यहाँ पे एनर्जी वो आ रही है कि वो इस चीज़ को इम्पैक्ट करेगी, आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो हर एरिया में इम्पैक्ट करेगा आपकी लाइफ को, ये मुझे दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप या करियर दोनों। अब क्या गाइडेंस है ये देख लेते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है लियो के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस है ये मैच्योरिटी। ओके, आई थिंक यू आर स्टेपिंग फॉरवर्ड, और मुझे लगता है हैप्पीनेस इज़ द की टू दैट, दैट स्टे हैप्पी, खुद में खुश रहिए, हैप्पी रहिए। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट, इस टाइम पे गिव अप करना बहुत इजी है, बट एंजल्स कह रहे हैं कि कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को यू नो, मतलब काम डाउन और रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट अ न्यू साइकिल दैट यू नो, कुछ बहुत अच्छा है, कुछ बहुत पॉजिटिव है, और इट्स अबाउट समथिंग इज़ ब्लूमिंग। अब शायद वो रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है, हो सकता है आपका कोई ड्रीम है, और या हो सकता है कि कुछ भी है, बट उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टेप फॉरवर्ड करना है। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, पहली बात है, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को, सो दैट इन ऑर्डर कि आप आगे बढ़ पाएँ। ओके, आपको मतलब अपने पास्ट मिस्टेक से सीखने की ज़रूरत है, एंड सबसे ज़्यादा सरेंडर करने की ज़रूरत है टू द डिवाइन। ओके, और टू यू नो, मतलब वट एवर इट इज़, कि जो भी आप सोच रहे हैं यू नो, बी रिसेप्टिव, बी एक्सेप्टेंस, कि हाँ ये ठीक है, एक्सेप्टेंस एंड रिसेप्टिविटी। ओके, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, वट एवर इट इज़, तो वो चीज़ है, यू नो, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ अननोन की तरफ। मान लीजिए कि आपके सामने कुछ है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप एक पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब यहाँ से कहाँ जाना है या क्या करना है, बट अल्टीमेटली आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आपको वो गार्ड कर रहे हैं कि आप ये लीप ऑफ फेथ लीजिए, वो आपके साथ हैं। ओके, तो अब इस तरह की कोई जब सिचुएशन आ जाती है, तो तब आप कैसे डिसीजन लेते हैं, अपने मन से, अपने मन को शांत रख के, सब कुछ सोच के, और एक वो हिम्मत जुटाते हैं कि नहीं, अब वक्त आ गया है ना, तो वो वाली सिचुएशन। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, टेक केयर।